बातचीत बढ़ाना, संचार बढ़ाना, संपर्क बढ़ाना, जो जो आसपास की खबरें जैसे न्यूज़ पेपर आप पढ़ते हैं तो वो सारी देश की खबर होती है, आपके गांव की खबर, आपके शहर की खबर, आपके मोहल्ले की खबर, जो आपके लिए जरूरी है वो आप इस पर बताएं, जो लोगों को अफेक्ट करता है फिर वो लोग फॉलो करेंगे। जैसे अधिकतर क्या होता है कि गाँव में से कोई फोन करता है और शहर में कोई होता है जो उस गाँव के इलाके मीडिया को जानता है, कलेक्टर को जानता है, तो फिर उससे बात करता है, वो मसला सॉल्व करता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आगे जाके सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको अपने स्वचालित बनाने के लिए हम अगर कुछ कहीं से एडवर्टाइजमेंट ला सकते हैं, या कोई यूएन का कोई बंदा है जिसको कुछ पब्लिक सर्विस मीटिंग करनी है, किसी को समाज कल्याण के बारे में बात करनी है, किसी को पोलियो के बारे में बात करनी है, तो हो सकता है हम उसके लिए उससे कुछ पैसे बना सकें, इससे हम उसको और सकते हैं। तो अगर आपको कोई आइडिया आता है कि अच्छा इस पर अभी सर्विस चला सकते हैं जिससे कि आपका काम चल सके स्वचालित रूप से, तो हमको जरूर होता है कि हम उसको देखेंगे। ये हाँ नंबर एसटीडी का है, नेशनली एजेंसी अवेलेबल है, आप हमने शुरू से किया था, तो जिंदगी थोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे और क्योंकि लोग अधिकतर वहीं थे, लेकिन हम लोग उड़ीसा में ट्रेनिंग करने वाले हैं अक्टूबर में, तो फिर उड़ीसा थोड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी उस पर, और हम चाहते हैं कि जिस जिस जगह हम जाएँ वहाँ वहाँ के लिए अलग अलग चैनल शुरू करते हैं। अगर दिल्ली में आपको आपको लोग मिलते हैं जो कि करना चाहते हैं तो हम उनके दिल्ली चैनल शुरू कर सकते हैं। गांधी जी से बात कर रहे हैं, आप वॉलंटियर हैं? हमारे पास लोगों की कमी है, पैसे की कमी है, समय की कोई कमी नहीं है और इच्छा की कोई कमी नहीं है और मेहनत की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग कम, तो अगर आप आएंगे साथ काम करेंगे। जैसे आपके साथ यहाँ जो हमने लिए 7 दिन की करेंगे, उड़ीसा में शायद जो होगी वो 4 दिन की होगी, डिपेंड करता है जितने समय के लिए हमें जगह मिल जाती है और रहने का प्रबंध हो जाता है उतने, लेकिन 4 से 7 दिन के आसपास की ट्रेनिंग होती है और हम प्रेफर करते हैं कि आप आएँ और जो बाकी लोग हम चाहते रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं गए तो गांधी जी के हॉस्टल जो है पीछे वहाँ पर हम लोगों को ठहराया था, 7 दिन लोग यहीं रुके थे, हम भी रुके थे और यहीं पर सारा काम करके एक पूरा पोस्ट किया था, और उसके अंत में लोगों ने 2 रेडियो प्रोग्राम बनाए थे 15-15 मिनट। अब हमारी ये इच्छा रहेगी कि इसको आगे हम यही जो मैसेज आपको फोन पर देते हैं इसको हम रेडियो ब्रॉडकास्ट कर सकें, लेकिन जैसे मैंने बताया हिंदुस्तान में न्यूज़ जो है रेडियो पे आप प्राइवेटली नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते, तो अगर कभी आगे जाके हमको ऐसा मौका मिलता है कि कोई दूसरा चैनल जो है वो हमारा कंटेंट लेके उसको ब्रॉडकास्ट करता है तो हम जरूर करेंगे। तो जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो रेडियो के हिसाब से देते हैं कि आप लोग फोन ही फोन पे पूरा रेडियो प्रोग्राम करें, तो आप जैसे जो हमने वर्कशॉप करी थी उन लोगों ने नाटक भी किए और लोगों ने गाने भी गाए और फिर नाचा किया तो नाचा के ढोल की भी आवाज़ आई है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। 15 मिनट के रेडियो प्रोग्राम में उन्होंने फिर वो लोग बाहर गए थे दिल्ली में ही, आपने देखा होगा WHO का जो ऑफिस है उसके पीछे जो है पूरी झुकी है, तो वहाँ पर जाकर लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू किए, स्टोरी वगैरह करके आए, फिर उसको यहाँ पर जाकर उन्होंने एडिट करना सिखाया, फिर उसको अपलोड किया, तो ऐसे 15 मिनट के 2 प्रोग्राम होते हैं उसके, तो ये ट्रेनिंग हम लोग ये करते हैं। बाकी ट्रेनिंग में आपको इंटरेस्ट है तो मुझे इस नंबर पर आप थोड़ा फोन करके नंबर छोड़ दें, जब अगली बार ट्रेनिंग होगी जरूर जाएंगे आपको। आप मुझे फोन करके हम लोग अधिकतर चाहते हैं कि लोग ऐसे आए जो इस काम को आगे बढ़ाए, तो अगर आप जाते हैं किसी को जरूर, अगर वो दिल्ली में ही है तो मैं दिल्ली में काम करता हूँ। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक लैब चालू किया है मस्जिद मोड में, एक वर्ल्ड मीडिया अकेडमी करके एक पत्रकारिता का स्कूल है, वहाँ पे हम लोग एक लैब चलाते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म लैब कहते हैं उसको, और वहाँ पे हम अगर अगर दिल्ली में ही लोग हैं तो मैं तो ट्रेनिंग कर दूँगा वहाँ पर, उसका 3-4 लोग अगर हैं। अच्छा चार्जेज ऐसे कुछ नहीं होंगे, हम स्पॉन्सरशिप होते हैं हमेशा, जैसे गांधी जी ने किया तो इन लोगों ने खाना और रहने के लिए,
दर्शन ने दिया जी, तो इनकी डॉमेट्री जो है हमने ये भी किया था। तो इस तरह से अगर हमको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो फिर हमारे लिए हो जाता है, अगर होता है स्पॉन्सरशिप ना मिले तो होता है हमको आपसे जो स्टे का जो है वो चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, अक्टूबर में ट्रेनिंग होगी कोरापुट में है। अगर आपकी रुचि है तो आप मुझे जरूर फोन करके आप मुझे नंबर ले लें, अगर आप जाने के पड़े तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब और अगर दिल्ली में लोग हैं तो मैंने कहा आपको बसे कोर्ट में मैं बैठता हूँ, वहाँ पर थोड़ी सी जगह भी है, वहाँ पर एक ऑफिस है, तो अगर दो तीन लोग जाते हैं आना सीखने जाते हैं तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग दिल्ली में तो मतलब तो कुछ भी नहीं, तो चार्ज नहीं, आप आइए बैठिए हम बात करेंगे। और भी सवाल किसी के, तो आप लोगों की खबरें जो रिकॉर्ड हुई हैं सुनते रहिएगा, सुनते रहिए आपकी खबर जो थी। हाँ मैं सुनाता हूँ, सुनाते हैं सर, ये जो रिकॉर्ड किया अभी आपने ये लोग सुन सकते हैं या और भी लोग सुन सकते हैं, जैसे हम सुनना चाहिए? तो आप फोन लगाएंगे अगर तो आपको इनकी खबर जो प्राप्त होगी, तो अगर आप भी फोन लगाएंगे तो इनकी खबर जो है खुद से बदलेगी। अभी तो मैं इनकी खबर अभी मुझे निकलना पड़ेगा, तो मैं वैसे रिलीज करूंगा इसको, तो इसे जो मॉडरेटर हमारे हैं वो सुनेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप दो से तीन घंटे बाद एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर रिलीज नहीं होता है तो अगर आप चाहते कि चेक करना क्या हुआ है तो मुझे फोन ठीक। और सवाल किसी कोई इसमें अगर सीखते जाते हैं मॉडरेशन वगैरह सीखते जाते हैं तो वो 7 दिन का कोर्स इसलिए बना था क्योंकि हमने यहाँ पे किया था और उसको उसमें हमने रेडियो भी किया था, मोबाइल भी किया था और थोड़ा इंटरनेट भी किया था, तो उसमें जैसे रिपोर्टिंग करना, ऑडियो में आवाज़ साफ किस तरह से रखी जाए, प्रैक्टिस करवाते थोड़ी सी, फिर एक फील्ड ट्रिप होती है जिसमें आप बाहर जाकर रिपोर्ट करते हैं, फिर हमने जी जी बिल्कुल दो घंटे में एक रिपोर्टिंग की बेसिस तो करेंगे, तो अगर हम दिन भर की एक ही वर्कशॉप भी रखते हैं तो उसमें हम सीख सकते हैं, और अगर दो दिन की करते हैं तो उसमें हम एडिटिंग सीखा देंगे, और फिर अगर हमको कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं इसी पे एडिटिंग करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं और, तो हमारे पास तो कहाँ ही कम, मतलब वहाँ कोई लॉगिन दे देंगे, और फिर अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि लोग ट्रेन होकर आए और वॉलंटियर करें, ताकि जैसे हम लोग 40 मिनट भी रखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी भी उतना अच्छा है, और अभी के लोग कम है इसलिए टाइम हाँ बिल्कुल, और क्योंकि एक ही व्यक्ति कर रहे हैं अभी, तो अगर हम लोग 5-6 लोग ऐसे मिलते हैं जो कि खबर को पक्का कन्फर्म करके उसकी जो जो लिखना होता है वो लिख सकते हैं, तो उसके बाद फिर वो रिलीज करना देती है आराम से। हम लोग संगठन मतलब वॉलंटियर हैं सर, एनजीओ का रजिस्टर्ड नहीं है, बस सीनियर स्वरा नाम साइट का है, तो हम काम करते हैं, अधिकतर फ्रीलांस प्रोफेशनल हैं, तो एक जो फाउंडर है वो पत्रकार थे, मैं इंजीनियर हूँ, ये ट्रेनिंग करती हैं, और मतलब सबका अलग अलग काम है, तो हम लोग जब अधिकतर जब मैं शुरू किया था मैं अपने फ्री था तो मैं बता था मैं बुलाई करता हूँ, ये तो कोई संगठन का फिक्स नहीं है, मतलब कोई ना ऑर्गेनाइजेशन है ना कुछ है, हम लोग चाहते हैं कि रजिस्टर करें, लेकिन वही है कि मतलब उसके लिए थोड़ा थोड़े जॉब चाहिए, थोड़ा ज़्यादा काम होना चाहिए, अभी तक ये सिर्फ एक प्रयोग था बिल्कुल, और अभी 1 साल हुआ है काम करते हुए ये आवाज़ वाला, और फरवरी 2023 शुरू किया था, 300 कॉल आ रहे हैं, तो अब लगता है बिल्कुल बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, और हम लोगों ने 4-5 कंपोनेंट यूज किए हैं साथ में, MIT जो है US में कॉलेज उन्होंने हमारी काफ़ी आज में हमें अगर आप सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं, सर्वर चलाना सीखना चाहते हैं,
उस तरह काम करना है तो मैं रेकमेंड करना अभी हमने वो ट्रेनिंग कभी करी नहीं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है कि कोई सीखे काम और उसको आगे बढ़ाए, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप दिल्ली में हैं तो जो हमारी ये लैब है आप आइए, मेरे एक हफ्ता बैठे मैं सिखा दूँगा आपको। तो लेकिन वो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं इंडिविजुअल वन टू वन या एक ज़्यादा दो लोगों के साथ काम करें तो बेहतर रहेगा, मतलब हाँ एक दो लोगों के लिए उसमें क्लासरूम में ज़्यादा काम नहीं है, उसमें ज़्यादा काम आपके प्रैक्टिस करने का है। तो अगर आप दो तीन लोग हैं या एक भी है तो अगर आप साथ में आके बैठ सकते हैं और एक लैपटॉप लेके आ सकते हैं तो वो बेस्ट है, फिर आपको सिखाना मुश्किल नहीं। हाँ arjun@cgnet.in ज़्यादा हमको लोग मिले जो ये बात कर सकें, अपनी बात कह सकें, लोकतंत्र में भागीदारी करने का यही तरीका है, अपनी बात आगे रखिए, जितने लोगों से बात करिए और फैलाइए। धन्यवाद।